कटनी जिला कलेक्टर के वीएस चौधरी के द्वारा गत दिवस ढीमरलखेड़ा तहसील क्षेत्र के खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर परिवहन में गति लाने अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, लेकिन कलेक्टर के आदेश के बावजूद दशमन खरीदी केंद्र में परिवहन में गति न आने से जहां एक और किसान हैरान है, तो वहीं विभागीय अधिकारी भी परिवहन न होने के कारण परेशान नजर आ रहे हैं। खराब मौसम के चलते अन्नदाताओं के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही है कि केंद्रों में रखी धान की फसल गिल्ली ना हो जाए, नहीं विक्रय में भी परेशानी हो। इस संबंध में एफओ रविकांत ठाकुर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया, तहसील क्षेत्र के दशमन मुरवारी और उमरियापान में परिवहन की धीमी गति के संबंध में जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया है। जल्द से जल्द परिवहन में गति लाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसानों सहित खरीदी प्रभारियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। एमपी न्यूज़कास्ट से अनूप दुबे की रिपोर्ट। समिति का अकाउंट में दिख रहा है रेडी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, माने 3000 क्विंटल के ऊपर है ना। तो जब नान का खोलते हैं उसमें 1500 क्विंटल है रेडी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, 1500 से 1500 बता रहे हैं अभी का, मैं आज का ही मन बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ट्रांसपोर्टर बताता है कि अपना अकाउंट में जब 300 क्विंटल दिख रहा है इसलिए मैं गाड़ी नहीं लगा रहा हूँ। मैं हाँ, ये समिति का नाम सिरोड़ी सिरोड़ी के नाम पे ही चल सिलौड़ी अंबर हम का SILOUDI। तुम्हारी स्क्रीन शॉट में कितना दिख रहा है सर? मेरे पास फोन नहीं आता। हाँ बताओ, बस वेरीफाई कर। ये कह रहा है वो गाड़ी नहीं भेज रहा है, फिर माल बहुत रखा हुआ, फिर लेट हो जा रहा है ना। ठीक है, आपका आईडी में देख रहा है कितना करता है? 1500 बाईस और 360। आपने बात नहीं की।